जैसे जैसे साउथ की मूवी सुपर हिट होती जा रही है, वैसे ही वैसे उनके एक्टर की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। आइए जानते हैं कौन है कितने आसमान पर। मैं ब्रिटिश कुशवाहा, आप देख रहे हैं रिकॉल न्यूज। आजकल हर जगह टॉलीवुड फिल्मों का ही जिक्र हो रहा है। सबको पचाते हुए सिनेमा जगत में टॉलीवुड ने नंबर वन की पोजीशन हासिल कर ली है। पहले के मुकाबले लोग अब साउथ फिल्मों से ज्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं, इसलिए साउथ स्टार की फीस भी बढ़ती जा रही है। चलिए आज आपको अधिक कमाई करने वाले साउथ सुपरस्टार से मिलवाते हैं। पुष्पा फिल्म की सफलता के बाद अल्लू अर्जुन के सितारे बुलंदियों पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म एंट्री के साथ हो सकती है। इस फिल्म के लिए उन्हें 100 करोड़ रुपए का ऑफर है। जूनियर NTR भी साउथ फिल्मों का जाना माना और पॉपुलर चेहरा है, जिन्होंने RRR के लिए लगभग 45 करोड़ रूपए चार्ज किए हैं। इससे पहले जूनियर NTR की फीस 25 से 30 करोड़ रूपए थी। साउथ सुपरस्टार रामचरण इन दोनों अपनी फिल्म RRR को लेकर सुर्खियों में है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के लिए उन्होंने करीब 45 करोड़ रूपए चार्ज किए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बढ़ती पॉपुलरिटी को देखते हुए उन्होंने अपकमिंग फिल्मों के लिए फीस 100 करोड़ रूपए कर दी है। महेश बाबू दक्षिण भारतीय सिनेमा के पॉपुलर स्टार है। उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट करियर की शुरुआत की थी। रिपोर्ट के मुताबिक महेश बाबू हर फिल्म के लिए लगभग 20 से 30 करोड़ रूपए चार्ज करते हैं। साउथ इंडस्ट्री में पवन कल्याण के नाम का भी बोलबाला है। अब तक के करियर में पवन कल्याण ने थाली, प्रेमा, गोपाला गोपाला जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। पवन कल्याण एक फिल्म के लिए 20 से 30 करोड़ रूपए चार्ज करते हैं। अवली एक्टर प्रभास तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार्स में से एक है। बाहुबली की सफलता के बाद प्रभास के करियर में गजब का उछाल आया, जिसके बाद फिल्मों के लिए उन्होंने अपनी फीस 100 करोड़ रूपए कर दी। सूर्य स्टारर जय भीम फिल्म ने कामयाबी की एक किताब लिख डाली है। फिल्म को सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी काफी प्यार मिल रहा है। सूर्य तमिल सिनेमा के टॉप स्टार में से शुमार है। सूर्य एक फिल्म के लिए 20 से 25 करोड़ रूपए लेते हैं। साउथ के स्टार्स फिल्मों के साथ साथ 30 में भी बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को मात देते नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं असली किंग कौन होगा। मिलते हैं आपसे अगली खबर में, कल से कल तक।